स्वागत है। बात मुंबई की करते हैं। महाराष्ट्र में सियासी संकट में एक नया ट्विस्ट आ गया है। उद्धव और शरद पवार की मुलाकात खत्म हुई है। पवार ने शिंदे को सीएम बनाने की सलाह दे डाली है। शिंदे को बनाकर सरकार के साथ बने रहने की सलाह दी है। तो राजनीतिक चाणक्य कहे जाते हैं शरद पवार, और उनका एक नया आइडिया जो कि उद्धव ठाकरे को उन्होंने दिया है कि शिंदे को मनाकर सीएम बनाए और सरकार के साथ बने रहें। और इधर उद्धव ठाकरे ने आज जनता से अपील भी की, यहां तक कि खबरें कुछ ऐसी भी आई, उन्होंने कहा सीएम की कुर्सी क्या, शिवसेना अध्यक्ष का पद भी छोड़ने को तैयार हूं। हालांकि संजय राउत कह रहे हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, जरूरत पड़ी तो सदन में हम बहुमत साबित करेंगे। ये पहली तस्वीर आप देखिए, और दूसरी तस्वीर देखिए जिस तरह बागी विधायक हैं अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे उनके साथ बाकी बागी विधायक। तो आज सियासी संकट के बीच उद्धव ठाकरे ने फेसबुक पर लाइव पर ये सारी बातें कहीं। उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा न देकर बागे विधायकों को सामने आकर बात करने के लिए पहले कहा है। शिंदे के साथ 34 विधायक शिवसेना के हैं। शिंदे के साथ 34 विधायक का समर्थन है शिवसेना के विधायकों का। शिंदे की चिट्ठी में 34 शिवसेना विधायकों के दस्तखत हैं। राज्यपाल और डिप्टी स्पीकर को वो चिट्ठी भेज दी गई है। उद्धव ने इस्तीफा देने के लिए शर्त भी रखी है। शिंदे से सामने आकर बात करने की शर्त रखी गई है। मेरे पद छोड़ने के बाद शिवसैनिक ही सीएम बने, ये उद्धव ठाकरे ने कहा है। कमलनाथ ने भी मुंबई जाकर शरद पवार से मुलाकात की थी।